आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को तमिलनाडु में राज्य मंत्री ईवी वेल्लू से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी शुरू की है। आयकर विभाग के अधिकारी सुबह 6 बजे से तमिलनाडु के लोक निर्माण और राजमार्ग मंत्री ईवी वेल्लू से संबंधित परिसरों पर छापेमारी कर रहे हैं। आयकर विभाग उनके तिरुवन्नामलाई स्थित घर, अरुणाई मेडिकल कॉलेज, अरुणाई इंजीनियरिंग कॉलेज और चेन्नई में उनके सहयोगियों के घरों पर भी जांच कर रही है। ईवी वेल्लू से जुड़े लोक निर्माण एवं राजमार्ग विभाग के ठेकेदारों और इंजीनियरों के घर भी छापेमारी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरे तमिलनाडु में 40 जगहों की तलाशी की जा रही है। वेल्लू, जो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, तिरुवन्नामलाई में इंजीनियरिंग कॉलेज सहित कई शैक्षणिक संस्थानों के मालिक हैं। छापेमारी मंत्री और उनके परिवार द्वारा संचालित संस्थानों और व्यवसायों द्वारा संदिग्ध कर चोरी से संबंधित है। केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को उन सभी स्थानों पर तैनात कर दिया गया है जहां आईटी की छापेमारी चल रही है। पिछले कुछ महीनों में अपने कैबिनेट सहयोगियों वी सेंथिल बालाजी वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुछल सेंट्रल जेल में बंद है। के पेनोमुडी और अराकोनम के सांसद एस जगत रक्षण के बाद वेल्लू चौथे वरिष्ठ डीएम के नेता हैं जिन पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मारा है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों सहित कई शैक्षणिक संस्थानों के मालिक जगत रक्षकन पर आयकर छापे लगभग एक सप्ताह तक जारी रहे। वेल्लू, जिनके पास एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में आईएडीएमके में अपने राजनीतिक ताकत है, 1997 में डीएमके में शामिल हो गए। स्टालिन के करीबी सहयोगी होने के कारण वेल्लू 2006-2011 डीएमके सरकार में खाद्य मंत्री थे और उन्हें 2021 में आकर्षक पीडब्ल्यूडी विभाग आवंटित किया गया था।